Continue. What, Nandish? Should I read or will Aditya read, ma'am? Aditya, read it. Aditya? टफ्स परिसर के रंग बिरंगे पेड़ और पत्तों से आच्छादित पगडंडियां हमें देर तक तैरती रही। लौट आओ लौट आओ, हमारे पास पूरी एक शाम और रात थी। जैसे जैसे दिन छुपता है तो क्यों उजागर होते जाता है। गलियों में, बाजारों में, सागर और किनारों में सुरेश त्रुटु पुरण हम हमें फिर ले चले कभी। जमीन के नीचे कभी ऊपर, कई तलों पर रेल चलती है। चलती क्या समझ ले उड़ती है। सुरेश जी ने कोई वाहन नहीं छोड़ा, हमें सामान्य रेल से लेकर मोनोरेल, स्वचालित रेल और What happened? Is स्वचालित रेल और लॉन्च में घुमाया. Nandesh, you continue. Might be Aditya has internet issue. From where, ma'am? दिस स्वचालित रेल और लॉन्च में घुमाया. हमने हवा में लहराते टोक्यो की जगमग नगरी देखी। समुद्र की सतह पर तरतराती टोक्यो की रंग बिरंगी रोशनियां देखी। और तो और, वह अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का प्रतिरूप भी स्थापित देखा। मैंने जिज्ञासु की जापान में इतनी इतने तूफान और भूचाल आते हैं, इतनी गगनचुंबी इमारतें फिर क्यों बनाई गई है। सुरेश जी ने बताया, इनकी हर मंजिल पर इतनी जगह जानबूझकर छोड़ी गई है जो भूकंप के धक्के सह सके। जापान में महंगाई है जैसे विश्व के अन्य देश में भी है, किंतु यह हम भारतीयों को हर चीज ज्यादा महंगी लग रही है, क्योंकि हमारे रुपयों से येन का मुद्रा विनिमय करने पर हर चीज दुगनी कीमत की लगती है। जैसे आप किसी चीज पर 3,000 येन खर्च करते हैं तो घबरा जाते हैं, जबकि वास्तव में सिर्फ 1,600 रुपये की है। छोटे छोटे उपहार भी मिलजुल कर कई हजार येन व्यव करवा देते हैं। हम सबकी मुश्किल पहचान कर ऋतुपर्ण हमें 100 येन दुकान पर ले जाते हैं। कई चीजें की कीमत सिर्फ 100 येन है। यह अलग बात है कि 100 येन में बहुधा सिर्फ डांट डॉट पेन ही हाथ लगता है। जापानी हस्तशिल्प अपने नजाकत और बारीक बनाई से विस्तृत कर रहा है। महज कागज के बने लिफाफे और टेले भी ओरिगेमी की कलाकृति है। इस दुकान में रविंद्र कालिया
मन शूहॉर्न पर अटक जाता है। यह प्लास्टिक का बना उपकरण है जिसका एक सिर पर जूते पहनने के लिए फॉक सा बना है। इसकी विशेषता है कि अपने खड़े खड़े भी जूते पहन सकता है। इसका हाइडल इतना लंबा है, हैंडल 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 इतना लंबा है, कीमत भी अधिक नहीं है। वापसी पर मित्रों ने देने के लिए नायाब चीज है यह। रवि की देखी सभी मित्र शू हॉर्न खरीदते हैं, पर रवि तो अतिवादी है। वे इतने सारे शू हॉर्न खरीद लेता है कि हमारे सामने में उन्हें हटाना मुश्किल है। हमारा सामान वेट हमें नंदेश, देखो तो ये लोग जैसे कि टफ्स लाइब्रेरी में थे, वहां घूमने फिरने के बाद, सारी चीजें देखने के बाद इन्होंने वहां से निकलने का सोचा। उसके बाद इनके साथ प्रोफेसर फुजी और स्टूडेंट से भी विदा ले ली। हालांकि टफ्स परिसर के रंग बिरंगे पेड़, मतलब जो टफ्स का कैंपस था वहां पे इतने कलरफुल पेड़ और इवन जो लीव्स वगैरह थे वो भी काफी कलरफुल दिख रहे थे। और पगडंडियों मतलब कि दोनों तरफ पेड़ और पौधे थे और बीच में रास्ता था, उसी को हम बोलते हैं कि पगडंडियों। उसके बीच के रास्ते से हम निकलते रहे और ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ पौधे हमें बोल रहे हैं अभी मत जाओ, लौट आओ लौट आओ। हमारे पास पूरी एक शाम और रात थी, मतलब कि ये लोग दोपहर में लंच करने के बाद वहां से कॉन्फ्रेंस के बाद निकले थे, शाम और रात थी, नेक्स्ट मॉर्निंग इन लोगों की फ्लाइट थी। ये बोलते हैं कि जैसे जैसे दिन छूटता है, मतलब कि जैसे जैसे सनसेट होता है, टोक्यो उजागर होता है, मतलब कि लगता है कि टोक्यो में अभी सुबह हुई है। इतनी चहल पहल होती है क्योंकि मार्केट लगने लगती है, गलियों में, बाजारों में, सागर और किनारों में, हर जगह मार्केट दिखते हैं। सुरेश ऋतुपर्ण हमें फिर ले चले कभी, स्क्रॉल डाउन, सुरेश ऋतुपर्ण जैसा कि पहले भी था कि इन लोगों को कहीं भी ले जाने के लिए वो मेट्रो ट्रेन का यूज कर रहे थे, और इवन वो कभी अंडरग्राउंड जाते थे कभी ऊपर जाते थे, तो वैसा ही इनके साथ फिर होने लगा। कई तल्लों पर रेल चलती है, मतलब यहाँ पर न जाने कितने फ्लोर पर एक साथ ट्रेनें चलती हैं, कुछ समझ में नहीं आता। और चलना क्या, उड़ती हैं जैसे हवा से बात करती है। सुरेश ने कोई वाहन नहीं छोड़ा, हमें सामान्य रेल से लेकर मोनो रेल, स्वचालित रेल मतलब कि वही ऑटोमेटिक ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, लॉन्च वगैरह सब में घुमाया हमें। हमने हवा में लहराती टोक्यो की जगमग नगरी देखी, और एक जगमगाती मतलब कि रोशनी से भरी हुई एक सिटी को देखा जो समुद्र की सतह पर थरथराती टोक्यो की रंग बिरंगी रोशनियां देखी, और ऐसा लगता था कि वो सारे लाइट उस समुद्र के अंदर ही बस गए हैं। मतलब चारों तरफ रोशनी थी, बड़ा ही अच्छा सा दृश्य था, नजारा था, व्यू था। और तो और वहां अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी का प्रतिरूप भी, मतलब एक और ऐसी कॉपी है जो अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दिखाती है। ये तुम लोगों का एक ना जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के बाद कहाँ है। मैंने जिज्ञासा की, मतलब जानने की इच्छा की कि जापान में इतने तूफान और भूचाल आते रहते हैं, इसके बाद भी इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंगे कैसे बनाई गई हैं और क्यों। सुरेश जी ने बताया कि इनकी हर मंजिल पर इतनी जगह जानबूझकर छोड़ी गई है जो भूकंप के धक्के सह सके, मतलब कि बिल्डिंग बनाने का तरीका ही अलग है। हर एक एक दूसरी बिल्डिंग के बीच में ना इतना गैप होता है कि जो वैकम लेता है, जिसकी वजह से वो साइक्लोन और अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, वो उस चीज को मतलब कि क्या बोलते हैं, उसे टॉलरेट कर सके। जापान में महंगाई है जैसे विश्व के अन्य देशों में भी, मतलब वहां भी महंगाई है जैसा बाकी सब कंट्री और इवन स्टेट्स में है, किंतु यहाँ हम भारतीयों को हर चीज कुछ ज्यादा ही महंगी लग रही है क्योंकि रुपए से ज्यादा इनका
वैल्यू है, क्योंकि हर चीज हमें डबल लग रही थी। जैसे आप किसी चीज पर, जैसे कि हम अगर इंडिया में यहाँ 3000 एन खर्च करते हैं तो घबरा जाते हैं, माय गॉड 3000 का है, बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन जापान में वही चीज सिर्फ 1600 एन की थी। छोटे छोटे उपहार में मिलजुल कर कई हजार एन व्यय करवा देते थे, मतलब छोटे छोटे गिफ्ट ये लोग खरीद रहे थे, कि जैसा होता है ना, हम भी कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं लोगों के लिए। हम सबकी मुश्किल पहचान कर ऋतुपर्ण हमें 100 एन की दुकान पर ले जाते, मतलब ऋतुपर्ण जो थे वो समझ गए कि इन लोगों को चीजें काफी कॉस्टली लग रही हैं, तो वे एक ऐसी दुकान पर ले जाते हैं जहां पे सिर्फ सारी चीजें 100 एन में मिलती थी, और बहुत सारी चीजों की कीमत सिर्फ 100 एन थी। यह अलग बात है कि 100 एन में बहुधा सिर्फ डॉट पेन ही हाथ लगता है, मतलब कि ये बात अलग है कि ओनली 100 रुपीज में यू विल गेट ओनली द वन डॉट पेन। इवन जापान में हस्तशिल्प अपनी नजाकत और बारीकी के लिए जाना जाता है, मतलब कि हैंडीक्राफ्ट हम लोग जैसे बोलते हैं ना, वो चीजें काफी कुछ देखने को वहां मिलती है। स्क्रॉल डाउन, महज कागज के बने लिफाफे, थैले भी ओरिगेमी की कलाकृतियां हैं, मतलब कि पेपर के इनवेलप और बैग्स भी वहां की चीजों को बारे में दिखाते थे, जिसे हम ओरिगेमी यहाँ भी हम लोग खरीदते हैं। इस दुकान में रविंद्र कालिया का मन शू हॉर्न पर अटक जाता है। रविंद्र कालिया जो थे वो देखते देखते ना उन्हें एक शू हॉर्न दिख जाता है और वो काफी इम्प्रेस होती है। यह बना हुआ था प्लास्टिक का, जिसके एक सिरे पर जूते पहनने के लिए फॉक सा बना था, मतलब कि ना जैसे हम जूते पहनने की कोशिश करते हैं तो वहां पे फॉग जैसा बना था, जिस पर आप आराम से खड़े खड़े भी जूते पहन सकते, जैसे जनरली हमें जूते ट्राई करने के लिए हमें बैठना पड़ता है। उसका हैंडल इतना लंबा था और कीमत भी अधिक नहीं थी। इन्होंने सोचा कि वापस जब लौटेंगे तो अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करने के लिए इससे अच्छी चीज कुछ और नहीं हो सकती। रवि को देखकर खरीदते हुए उसके बाकी मित्र भी खरीदने लगते हैं, और वे देखते देखते इतना ज्यादा हॉर्न शू खरीद लेते हैं कि अब उन्हें लगेज में रखने में मुश्किल हो रही थी। नेक्स्ट, नंदीश नेक्स्ट। हमारी सामान हमें पहले ही कौन काम परेशान कर रहा है, इतना भरी है खुद हमसे नहीं धोया जाता, ऊपर से एक सूटकेस का पहिया निकल गया है। अपने देश अपना शहर दिल्ली याद आ रहा है, यहाँ जहाँ सेंट्रल मार्केट में आप किसी भी चीज का मरम्मत पल भर में करवा ले, सेवा करने को तत्पर कुली कुली भी यहाँ नजर नहीं आते। हमें टोक्यो से ओसाका जाना है, हमें जापान रेलवे के सबसे तेज गति रेल शिंकानसेन पकड़नी है। शिंकनसान का शाब्दिक अर्थ है न्यू ट्रैक लाइन, इसे बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। जापान के निवासी इस रेल से यात्रा करने एक मौलिक अनुभव मानते हैं, जहां घंटवे से अधिक गति से गति का महत्व है, मंजिल से ज्यादा सफर की अहमियत, स्टेशन की या इकी कहते हैं। हम टोक्यो इकी पर आते हैं, कुछ देर हम प्रोफेसर इशिरा की प्रतीक्षा करते हैं, जिन्हें हमारे साथ चलना है। ऋतुपर्ण पर्ण जी गुरु गोविंद की भूमिका में है ही,
प्रोफेसर इशिरा डाइटो बंका यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती है पढ़ाते हैं। हल्के बदन के स्मित वेदन युवतर इशिदा आते ही हमारे संकट मोचक बन जाते हैं। वे अपने सूटकेस के साथ हमारे लंगड़ा सूटकेस भी किसी तरह चलाकर प्लेटफॉर्म तक ले आते हैं। उनके बाल सुलभ सुंदर मुख हमें उपकृत करने का कोई भाव नहीं है। बुलेट या शिंकेंसन 16 डिब्बों की गाड़ी है। हर गाड़ी में 9,900 यात्रियों के बैठने का प्रबंध है। 1,900 फीट लंबी इस रेल में 80 मोटर जनरेटर लगे होते हैं, जिस वक्त यह 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। कहीं भी रुकने के लिए इसे कम से कम 4 किलोमीटर का गुंजाइश चाहिए। इतनी तीव्र इसकी गति है। टोक्यो और ओसाका के बीच 33 गुफाएं आती है। सबसे बड़ी गुफा 4 मील लंबी है और सबसे छोटी 100 फीट लंबी 1600 कमरियों की कार्यक्षमता का उपयोग इसका संचालन में प्रतिदिन लगते हैं। सफर में हमारे आराम का पूरा ख्याल रखते हुए हमें पहले ही दाहिनी तरफ की कुर्सियों पर बैठाया गया है। कई गुफाओं से रेल गुजर रही है। बाहर धूप नहाया दिन है। यक्का एक इशिडा शीशे के खिड़की पर एक दिशा में इंगित करते हैं। वह देखिए फूजी पर्वत। भरी धूप में फूजी पर्वत का हिमाच्छादित शिखर अपने धवल ध्वजा में चमचमा रहे हैं। बर्फ और धूप दोनों ही उदास से उद्दीप्त कई यात्री पर्वत की ओर देखते हुए आंख बंद कर होठों में बुड़बुड़ा रहे हैं। सुरेश बताते हैं, कहते हैं फूजी पर्वत से मनोकामना कहो तो पूरी होती है। हमारी समस्त मंडली ध्यान मग्न हो जाती है। मंडली के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वह उत्साह बने रखे हैं। हमें प्यास लगी है पर पता नहीं पानी कैसे और किससे मांगे। ना जाने कब इशिदा चुपके से 2 टिकनी बोतल पानी हमारे मेज पर रख जाते हैं। जरूर हमारी आंख झांप गई होगी। वे लगातार निपट के से दृष्टि चुरा लेते हैं। हमें खबर होती है पर देर के बाद। पानी के लिए छोटा सा शब्द है जापानी में मिझू। जापानी शब्द अपनी लघुता में झट से याद हो जाती है। कम से कम इस समय जब काम पड़े। इसी तर्क से हमारे हिंदुस्तानी मित्र इतनी अच्छी जापानी बोलने सीख गए कि उनका काम कहीं अटकता नहीं। कुछ शब्द तो हिंदी से मिलते हैं, जैसे हाय और ना के लिए या ओके के लिए उकी। वेट वेट
अब इनके पास पहले से भी लगेज था, और ऊपर से इन लोगों ने इतना सामान खरीद लिया। इतना भारी था कि खुद हमसे, मतलब ये लोग कैरी नहीं कर पाते। ऊपर से एक सूटकेस का पहिया, मतलब व्हील निकल गया था। अपना देश, अपना शहर दिल्ली याद आ रहा था कि अगर ये दिल्ली होता तो कहीं भी सेंट्रल मार्केट में जाकर के थोड़ा सा रिपेयर करा सकते थे, और वहां कूली भी मिल जाता था, और यहाँ तो वो भी नहीं मिल रहा था। हमें टोक्यो से ओसाका जाना था। हमें जापान रेलवे की सबसे तेज गति वाली ट्रेन, मतलब कि शिनकानसेन ट्रेन पकड़नी थी। ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शिनकानसेन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो न्यू ट्रंक लाइन, इसे बुलेट ट्रेन भी कहते हैं, बट डोंट राइट इट बुलेट ट्रेन। इफ द क्वेश्चन कम्स कि शिनकानसेन का शाब्दिक अर्थ क्या है, देन यू शुड राइट न्यू ट्रंक लाइन। जापान के निवासी इसी से 1 मिनट में भी, मतलब कि अब जस्ट स्क्रॉल डाउन। मतलब उनके लिए इसका एक्सपीरियंस काफी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी यहाँ आया और अगर उसने बुलेट ट्रेन की सफर नहीं की तो वो टाइम की वैल्यू समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि डेस्टिनेशन से ज्यादा यहाँ पे स्पीड की वैल्यू थी और टाइम। स्टेशन को यहाँ इकी कहते हैं। हम टोक्यो इकी पर आते हैं। कुछ देर हम प्रोफेसर इशिदा की प्रतीक्षा करते हैं, जिन्हें हमारे साथ चलना है। ऋतुपर्ण जी गुरु गोविंद की भूमिका में ही है। प्रोफेसर इशिदा दाइतो बंका यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती। हल्के बदन के स्फीत वदन युवतर इशिदा आते ही हमारे संकट मोचक बन जाते हैं, मतलब कि हमारे सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके पास था। वे अपने सूटकेस के साथ हमारा लंगड़ा सूटकेस भी किसी तरह कैरी कर रहे थे। उनके बाल सुलभ सुंदर मुख पर हमें उपकृत करने का कोई भाव नहीं था। मतलब वो हमारा काम भी कर रहे थे लेकिन एहसान भी नहीं जता रहे थे। बुलेट या शिनकानसेन 16 डिब्बों की गाड़ी है, मतलब कि 16 कोचेज हैं उसमें, और हर एक गाड़ी में 1300 यात्रियों के बैठने का प्रबंध है। मतलब 1300 1300 फीट लंबी इस रेल में 40 मोटर जनरेटर लगे होते हैं। ये तो पैराग्राफ जो है ना, ये तुम लोगों को आ सकता है कि बुलेट ट्रेन के बारे में बताइए या शिनकानसेन के बारे में। जिस वक्त यह 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, मतलब कि जनरली इसकी स्पीड 100 से ऊपर ही होती है, लेकिन जब ये 170 पर होती है तो कहीं भी रुकने के लिए से कम 5 किलोमीटर की मतलब 5 किलोमीटर के पहले ही उसे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, अदरवाइज वो नहीं रुक सकती। उसे रुकने के लिए 5 की, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी हाई होती है कि इमिडिएटली ब्रेक नहीं लग सकता। टोक्यो और ओसाका के बीच 66 गुफाएं आती हैं, मतलब 66 केव्स आते हैं। सबसे बड़ी गुफा 5 माइल लंबी है और सबसे छोटी 100 फीट लंबी। 8600 कर्मियों की कार्य क्षमता का उपयोग इसके संचालन में प्रतिदिन लगता है, मतलब कि एवरी डे 8600 एम्प्लॉयज वर्क टू ऑपरेट स्मूथली दैट बुलेट ट्रेन। सफर में हमारे आराम का पूरा ख्याल रखते हुए हमें पहले ही दाहिनी तरफ की कुर्सियों पर बैठाया गया, मतलब राइट हैंड साइड में। कई गुफाओं से रेल गुजर रही है, मतलब कि जा रहे हैं। बाहर धूप नहाया हुआ है, मतलब काफी अच्छी धूप थी। इशिदा शीशे की खिड़की पर एक दिशा में मतलब कुछ दिखाना चाह रहे थे। वह देखिए फूजी पर्वत, भरी धूप धूप में फूजी पर्वत का हिमच्छादित, मतलब कि जो उस पर स्नो गिरा हुआ था, काफी अच्छा चमचमा रहा था, जैसा कि होता है अगर सनलाइट जब आती है स्नो पर तो काफी अच्छा दिखता है। कई यात्री पर्वत की ओर देखते हुए आंखें बंद कर होठों में बुदबुद आ रहे हैं। स्क्रॉल डाउन। कुछ लोग जो थे ना, वो फूजी पर्वत को देखते हुए, मतलब उन लोगों की मान्यता है कि जो भी फूजी पर्वत को देख करके अगर कोई विश मांगता है तो वो विश पूरी हो जाती है। हमारी समस्त मंडली ध्यानमग्न हो जाती है, मतलब हमारा पूरा ग्रुप जो था वो पूरा विश मांगने में लग जाता है। मंडली के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार गुप्त की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वे एक्साइटेड दिख रहे थे। हमें प्यास लगी है पर पता नहीं पानी कैसे और किससे मांगे। न जाने कब इशिदा चुपके से दो तिकनी बोतल, मतलब कि दो छोटे छोटे बॉटल पानी के रख जाती है। जरूर हमारी आंखें झप रही होंगी, मतलब कि छोटी सी नैप हम लोग लेने लगे थे, और हमें खबर होती है पर थोड़ी देर के बाद कि पानी आ गया। एक्चुअली जापान में पानी के लिए छोटा सा शब्द है मीजू। जापानी शब्द जल्दी से याद हो जाते हैं क्योंकि छोटे छोटे वर्ड हैं जापान।
इसी तर्क से हमारे हिंदुस्तानी मित्र इतनी अच्छी जापानी बोलना सीख गया, और वो बोलते हैं कि शायद इसी वजह से हमारे मित्र जापानी बोलना सीख चुके हैं। कुछ शब्द तो हिंदी से मिलते हैं, जैसे हाँ के लिए हाय और ना के लिए य। नेक्स्ट, जबकि तो थैंक यू वेरी मच के लिए निटंट अलग शब्द है, दूमो अरिगाटो। ओसाका स्टेशन पर उच्चयोग का प्रतिनिधि बड़ी सी वैन के साथ उपस्थित है। स्टेशन अर्थात न्यू ओसाका इकी का परिसर इतना स्वच्छ है कि लगता है आज कोई विशेष दिन है। नहीं, यह यहाँ की सामान्य वजह है। तभी विस्मय की तरह सामने आ जाते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज के निर्देश प्रोफेसर ओकरी टोका हाशी। 30 साल बाद उन्हें देख रही हूँ, उनमें कोई बदलाव नहीं आया, वैसे ही लड़के जैसे लगते हैं। हल्का बदन, प्रसन्न बदन, हरजेंद्र चौधरी भी साथ आए हैं। परदेश में अपने देश के अलग मिले तो वह देश हो जाते हैं। इन सबके साथ मिलकर भाषा हंसने खेलने लगती है। वैन बहुत शीघ्र गति से चल रही है। सड़क की दोनों तरफ बड़ी इमारत है, जहां अजनबी नाम पटों के साथ What happened on this? No, no, the PDF reader got hanged. Mom. Okay. 1 minute. परदेश में अपना देश के लोग मिले तो देश हो जाता है। इन सब के साथ मिलकर भाषा हंसने खेलने लगती है। वैन में बहुत शीघ्र गति से चल रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ बड़ी इमारत है, अजनबी नाम पटों के साथ। कुछ ऐसे नामपट भी झलक जाते हैं जिनमें हम भारतीयों का सुनना की देखना आदत पड़ गई है, जैसे मित्सुबिशी, हिटाची, कोकुरा आदि। चमचमाती इमारत के बाद रंग बिरंगी पेड़ों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह प्रकृति का तुलिका से साथ से अधिक रंग दिखाई दे रहे हैं। मोमिजी की पत्तियां लाल है, पर उनमें नारंगी और गुलाबी रंग भी मिले हैं। साकुरा के पेड़ सफेद फूलों से ढंके हैं। हरा रंग यह चटक हरा है, जैसे किसी चटकार ने एक बार फिर रंग पोट दिया है। देखते देखते हम ओसाका जो पहुंच जाते हैं,
जी हाँ, यहाँ ओसाका का किला है, जो जो का अर्थ है, जी का अर्थ है मंदिर। यहाँ ओसाका जो में 1989 ईस्वी में सम्राट टोयोटोमी हिडोइशी ने बनवाया है। विशाल परिसर में हरियाली और रंग बिरंगे पुष्पपाद पे से घिरा यह किला अनेक आंखियों का पुंज है। यो तो इसकी कुछ हिस्सा का कोई कई बार पुनर्निर्माण हुआ है। किसी कहानियों अभी भी प्राचीन सम्राट और उनके राज्य काल ही प्रचलित है। किले का चारों ओर गहरी खाई और जलाशय है। किले का प्रवेश द्वार एक काला काला विशाल फाटक है। और काले पत्थर का प्राचीर है। यह किले जापानी संघर्ष धर्मित और जीजी विशा का प्रतीक है। सम्राट टोयोटोमी से भी पहले 1000 में ईस्वी में जुडो शिंशु नामक पादरी ने इस स्थल पर एक आश्रम स्थापित किया, जहाँ का कालांतर में एक विशाल मंदिर विकसित हुआ। ओसाका होगांजी आग लगने से यह मंदिर पूरी तरह भस्मभूत हो गया। ओसाका जो कोई बार बना और नष्ट हुआ। यहाँ राइट नो नेक्स्ट पेज ओके के लिए शब्द है ओकी जो कि इंग्लिश में मिलता है, जबकि थैंक यू वेरी मच के लिए तांत अलग शब्द है थोड़ा सा दुमो अरिगा। ओसाका स्टेशन पर उच्चायोग का प्रतिनिधि मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव बड़ी सी वैन के साथ वहां प्रेजेंट था। स्टेशन अर्थात न्यू ओसाका एकी का परिसर इतना स्वच्छ था मतलब इतना साफ था कि लगता था कि आज कोई स्पेशल डे है, क्योंकि इंडिया में किसी स्पेशल डे के दिन ही किसी पब्लिक प्लेस की इतनी सफाई होती है। तभी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज के निदेशक प्रोफेसर आकिरा ताकाहाशी आती हैं और ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद उन्हें देख रही थी और आज भी वो वैसे ही देख रही थी, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते, वैसे ही लड़के लगते हैं जैसा कि वो पहले कॉलेज के टाइम में दिखते थे, वही हल्का बदन मतलब दुबले पतले से और हमेशा स्माइल उनके चेहरे पर रहती थी। हरचंदर चौधरी भी उनके साथ आए थे। परदेश में अपने देश के लोग मिले तो वह देश हो जाता है। इन सबके साथ मिलकर भाषा हंसने खेलने लगती है, मतलब कि जब हम कहीं दूसरे देश में जाते हैं और वहां अपने वाले लोग मिल जाएं कोई भी जान पहचान वाला तो काफी अच्छा लगता है, फिर हमारी अपनी भाषा शुरू हो जाती है। वैन बहुत अच्छी प्रगति से चल रही है, सड़क की दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ अजनबी नाम पट्टों के साथ कुछ ऐसे नाम पट मतलब कि जो होल्डिंग बोर्ड्स होते हैं उस पर कुछ अननोन नेम्स भी दिखते थे और कुछ जाने पहचाने भी, जिसे देखने की हम भारतीयों की आदत है, जैसे कि मित्सुबिशी, हिताची एंड काकुरा। चमचमाती बिल्डिंगों के बाद रंग बिरंगे पेड़ों का सिलसिला शुरू हो जाता है और यहाँ वो बोलते हैं, ये वाला एक नंबर का स्वसंदर्भ का क्वेश्चन है, प्रकृति की तुलिका में 7 से अधिक रंग दिखाई दे रहे हैं जो है मोमेजी की पत्तियां
मुंबई जी एक ऐसा ट्री है जिसकी लीव्स एकदम लाल होती हैं, उसमें ऑरेंज और पिंक कलर के फ्लावर्स मिलते हैं, मतलब वो जो लीव्स है ना उसमें ही ये ऑरेंज और पिंक कलर मिला हुआ होता है। साकुरा के पेड़ सफेद फूलों से ढके हैं, और साकुरा एक ऐसा प्लांट है जिस पर सिर्फ सफेद फूल, और मतलब ऐसा लगता है ना कि पेड़ दिखाई नहीं देता, सिर्फ फूल ही दिखते हैं ऊपर से। हरा जंग यहाँ चटक रहा है जैसे पत्तों पर किसी चित्रकार ने एक साथ फिर रंग पोत दिया, और उसके पत्ते इतने ज्यादा मतलब ग्रीन होते हैं, इतने डार्क ग्रीन, ऐसा लगता है किसी ने पेंट ही डाल दिया उसके ऊपर। देखते देखते हम ओसाका जो पहुंच जाते हैं। जी हाँ, यह ओसाका का किला है। जो का मतलब होता है किला, जी का अर्थ है मंदिर। जो और जी में डिफरेंस है, देखो जो का मतलब किला, जी का मतलब मंदिर। यह ओसाका जो 1585 में सम्राट तोयोतोमी हिदोयोशी ने बनवाया था। विशाल परिसर में हरियाली और रंग बिरंगे पुष्प पादपों से घिरा यह किला अनेक आख्यानों का पुंज है। मतलब कि इतने ह्यूज कैंपस में चारों तरफ हरियाली थी और कलरफुल पेड़ पौधे दिख रहे थे। यूं तो इसके कुछ हिस्सों का कई बार पुनर्निर्माण हुआ था, मतलब कई बार फिर से बनाया गया था, रिनोवेशन हुआ था। आज भी यहाँ पे पुराने राजाओं के बारे में मतलब उसकी स्टोरीज काफी फेमस है। किले के चारों ओर गहरी खाई और जलाशय है। जलाशय का मतलब कि चारों तरफ कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉन्ड है। किले का प्रवेश द्वार एक काला विशाल फाटक है, एक बड़ा सा ब्लैक कलर का गेट है, और काले पत्थर की प्राचीरें हैं, चारों तरफ से काले पत्थर ही दिखाई देते हैं। यह किला जापानी संघर्ष, धर्मिता और जिजीवशा का प्रतीक है। मतलब वो किला वहां की मतलब टफ टाइम को, स्ट्रगल को दिखाता है। सम्राट तोयोतोमी से भी पहले 1496 में जूडो शिनशु नामक पादरी ने इसी जगह पर एक आश्रम बनवाया, जहां कालांतर में तो काफी आगे चलकर एक विशाल मंदिर विकसित हुआ जिसका नाम था ओसाका होंगांजी। आग लगने से यह मंदिर पूरी तरह भस्मीभूत हो गया था, मतलब एक बार आग लगी थी जिसकी वजह से पूरा बर्बाद हो गया था। ओसाका जो कई बार बना और नष्ट हुआ, यहाँ लकड़ी का इतना अधिक प्रयोग है कि बार बार इसमें आग लगने की दुर्घटनाएं होती रहती। मतलब लकड़ी का यूज इतना ज्यादा किया गया है कि थोड़ी सी भी अगर आग कहीं होती है तो लग जाती है। एक बार तो इसके ऊपर बिजली भी गिरी थी, मतलब थंडर। 1931 में इसको फिर से बनवाया गया। इसी परिसर में नेक्स्ट इस किले किला जापानी संघर्ष, धीमता और जीव स्क्रॉल डाउन नंदेश स्क्रॉल डाउन ओसाका जो का संग्रहालय भी है। चारों तरफ फल फूलों के पेड़ों से आच्छादित यह स्थल बहुत सा यादगार आयोजनों के लिए प्रसिद्ध है। रात का समय ओसाका जो और संग्रहालय सुनहरी रूप हरी रोशनी में नहाए हुए नया नैना भिराम स्मारक लगते हैं। हम तो धूप नहाए दिन में आए हैं। यह मंदिर तो उसी मंदिर के नीचे ओसाका जो का एक संग्रहालय मतलब कि म्यूजियम था, और उसके चारों तरफ फूल पेड़ बहुत थे। और यह एक्चुअली में वहाँ बहुत सारे ना मतलब फंक्शंस फेस्टिवल्स वगैरह होते रहते थे जिसके लिए वो जगह काफी फेमस है। रात के समय ओसाका जो और संग्रहालय अच्छी वाली धूप में नैना भिराग स्मारक लगते हैं, मतलब कि देखने में काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहां की लाइटिंग दिन में जब धूप आता है तो भी, और रात की रोशनी हो तो भी।